सभा में खड़ा हो गया। बोले बोल कृपा नहीं बरस रही है बाबा जी, क्या किया जाए। बोले कि तूने कभी 20-23 शादी के कितने दिन हो गए। बोले 20 साल हो गए। बोले आज तक तूने बीवी के हाथ के पराठे खाए हैं, उसका बने हुए भोजन की तारीफ की है। बोले कि 20 साल से उसकी रोटी तो खा रहा हूँ लेकिन तारीफ आज तक नहीं की है। बोले आज घर जाना, तारीफ करना, कृपा बरस जाएगी। बस इतनी तारीफ कर देना कि क्या भोजन बनाती है, कृपा आ जाएगी। उसने कहा चलो यार ठीक है, इतना अच्छा उपाय बता दिया कि आज तारीफ तो जरूर करूंगा। घर गया, पत्नी ने पराठे खिलाए। जैसे ही पराठे खाए उसने कहा आज तो मजा आ गया जिंदगी में, ऐसे पराठे मैंने आज तक। पत्नी ने उठाया एक बेलन सिर पे ढंग से दिया। बोले कम बात तो, 20 साल से मैं खाना बना रही, तूने तारीफ नहीं की। आज पड़ोसिन ने पराठे दिए तो तारीफ कर रही है। ध्यान रखना, हो गई कृपा राम की। ध्यान रखना, बड़ी दुर्दशा हो रही है। बोले 20 साल से तो तू हमें खाना खिला रही, एक बार तारीफ नहीं निकली। आज पड़ोसिन ने पराठे क्या भेज दिए। ऐसा कर मत लेना तुम लोग, नहीं तो बड़ी दुर्घटना घट जाती है। डायबिटीज के मरीज को रबड़ी खिला दी। बोले हो गई कृपा। समझना कितना आदमी सोचता है, कितना आदमी भागता है, क्या क्या विचार करता है, क्या क्या चिंतन करता है, कहां कहां वह शांति की तलाश में भागता है। हर चीज करके देख ली आदमी ने। एक बात याद रखना, ना धन से सुख मिलता है, ना दौलत से सुख मिलता है, ना प्रतिष्ठा से सुख मिलता है। सब तो तुमने करके देख लिया, सारी चीजें तो तुमने अपना के देख ली। कौन कहता है सब सुखी है। यदि धन वाले सुखी होते हैं तो टाटा बिरला को फिर कहीं किसी मंदिर में शीश झुकाने की जरूरत ना पड़ेगी। ध्यान रखना, यदि धन से सुखी हो जाते हैं रिलायंस बंधुओं को कहीं जा करके अपने मन की आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए गिड़गिड़ाने की जरूरत ना पड़ेगी। आप क्या सोचते हैं, मेरे चरणों में सब आते हैं, नेता भी आते हैं, अभिनेता भी आते हैं, सीकर में लाइन लग गई, बड़े बड़े फिल्मी अभिनेता भी आए, कमरे में बैठे, मुलाकात की, मेरे से बातचीत की, मैंने कहा सारी दुनिया तुम्हारे लिए जान देती है, बोला तुम्हें क्या चाहिए। बोले महाराज कुछ नहीं चाहिए, देख लिया इस जिंदगी में कुछ नहीं, वो पर्दे की जिंदगी है। हकीकत की जिंदगी में तो हर कलाकार भीतर से खोखला हुआ करता है, भीतर से खाली हुआ करता है। महाराज वो जिंदगी 3 घंटे की जिंदगी है जो पर्दे पे दिखाई जाती है, हकीकत की जिंदगी तो बहुत अलग हुआ करती है। सोचना, हर किसी जो जो भी आए भीतर से खाली के खाली बनाए। बड़े बड़े सम्राट खाली आए। चक्रवर्ती ने सोचा कि 6 खंड जीत लूंगा तो मैं शहंशाह बन जाऊंगा। नहीं, एक टुकड़ा जमीन का 6 खंड के सामने उस पोदन पुन के राज्य की औकात क्या हुआ करती है। लेकिन वहां भी चक्रवर्ती का खालीपन महसूस हुआ करता है। मान्यवर कब भरेंगी ये भीतर की रिक्तता है। कितना भी आदमी ऊपर से हंस ले, मुस्कुरा ले, खिलखिला ले, भीतर से तो रिक्त का रिक्त बना हुआ है, अशांत का अशांत बना हुआ है, 1000 चिंताएं लेके जीता है। कोई कहता है हम सोने के महल बनवाएंगे, तो कोई कहता है हम शहंशाह बन जाएंगे, पर ऐसा कोई ना समझाए नादान आदमी कि जिंदगी की औकात क्या है। औकात ऐसा कोई ना समझा नादान आदमी कि जिंदगी की क्या औकात है। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी, क्या मतलब। कितने भी तुम जोड़ लेना धन दौलत, जोड़ कर रख लो चाहे कितने भी हीरे मोती, मगर ये याद रखना कफन में जेब नहीं होती। जाओगे एक चुटकी आटा भी साथ जाने वाला नहीं। किसके लिए जीते, चंद सांसों के लिए इतना, एक पानी का बुलबुला आदमी की जिंदगी, इंद्रधनुष आदमी की जिंदगी, पेड़ से टूटा हुआ पत्ता है आदमी की जिंदगी, सूर्य का उगना आदमी की जिंदगी और सूर्य का ढलना आदमी की जिंदगी। कितना करता है आदमी, कितना सोचता है।
शांति से जियो मेरे भाई, कब तक ज्वाला प्रसाद बने रहोगे जिंदगी में? शांति से हर आदमी चाहता तो शांति है, लेकिन साधन शांति के नहीं जुटाता है। आदमी सोचता है मुझे शांति चाहिए, साधन अशांति के लेकर के आता है। आज तुम्हारे घर में जितने भी साधन है सब अशांति के, उनका अंतिम रिजल्ट अशांति के सिवा और कुछ नहीं है। एक गाड़ी लेकर आते हो, बड़ी कार लाते हो, चमचमाती लाते हो, पूरे शहर में घुमाते हो। पहली बार 80 लाख की मर्सिडीज आई, पूरे शहर में घुमाया। गाड़ी में बैठकर ऐसे चलते हो जैसे पैदल चलने वाले सब कीड़े मकोड़े हो। बड़ी गाड़ी में चमचमाते ही कपड़ा अपड़ा लगा के घर से निकलते हो, और जैसे हरि पर्वत पहुंचे, चौराहे पर पहुंचे, एक धक्का लगा गाड़ी का, लो खुशियां खत्म हो गई। रेड लाइट पड़ गई, खुशियां खत्म हो गई, चालान कट गया, खुशियां खत्म हो गई। स्पीड ब्रेकर पर ब्रेक नहीं रख पाए, ब्रेक पर पैर, खुशियां खत्म हो गई। क्षण भर में सब कुछ मिट जाता है। कितना भी कर लेना, कितना भी जोड़ लेना, कितना भी सोच लेना, शांति नहीं मिलती। 80 लाख की कार आ जाए तो हम और ज्यादा बढ़ाने की सोचते कि अभी इस कार में रखा ही क्या है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहत्वा दंडम तदपि न मुच्यति आशा पिंडम। आदि शंकराचार्य ने कहा कि अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहत्वा दंडम तदपि न मुच्यति आशा पिंडम। अंग अंग गल गए, बाल पक गए, मुंह पोपला हो गया, शरीर ने जवाब दे दिया लेकिन मन जवाब नहीं देता है। मन तो अभी भी कहता है कि अभी तो मैं, दादाजी बोले जवान, क्या बात है, जवान एक भी नहीं बोला। दादाजी बोले अभी तो मैं जवान हूं, क्या बात।